नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू मटर और गोभी की स्वादिष्ट रसेदार सब्जी। तो देखिए, मैंने बनाने के लिए यहाँ पे ये मटर ली है, इसको मैंने छील लिया है और गोभी को अच्छे से साफ करके धुल लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इधर मैंने छोटे छोटे आलू लिए हैं, हरी धनिया ली है इसे बनाने के लिए, दो टमाटर काट लिए हैं, अदरक लहसुन है और दो हरी मिर्च है, एक प्याज मैंने काट लिया है। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने मसाले लिए हैं। ये लिया है मैंने काली मिर्च, छबीला, दालचीनी का टुकड़ा, अदरक, ये बड़ी इलायची है और ये जावित्री है। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर में ले लिया है पानी, अब हम डाल देंगे इसमें मटर, डालेंगे गोभी। अब इसमें डाल देंगे आलू। हम इन सारी चीज़ों को एक सीटी लगा के उबाल लेते हैं। दोस्तों, मसाले को हम सिलबट्टे पे पीस ले रहे हैं। दोस्तों, साथ में डाल ले रहे हैं तीन ये सूखी लाल मिर्च, इसी के साथ पीस लेंगे इसको भी। एक सीटी लग चुकी है, तो आइए हम इसे देख लेते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे पानी से। देखिए दोस्तों, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको हम छील लेते हैं आलू को। आलू को मैंने छील लिया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कढ़ाई में तेल डाल दिया है, सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा हमारा चटक गया है, तो डालें अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज, डालेंगे हरी मिर्च। तड़के को हमें सुनहरा पका लेना है। देखिए, तड़का हमारा सुनहरा हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमारा गल चुका है, गलने लगा है, तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। ये हमने जो सिलबट्टे पे पीस रखे थे उसको डाल देंगे। एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे नमक। दोस्तों, लाइट चली गई थी तो हम गैस चूल्हे पे बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अब मसाले को अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी, आधा कप, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से हमारे पक जाएं। मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे, इसलिए हम थोड़ा ढक के पका लेते हैं। दोस्तों, लाइट आ गई है, तो हमने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। ये देखिए, और मसाला हमारा अच्छे से पक रहा है। जब तक हमारा मसाला पक रहा है दोस्तों, जब तक हम इसको आलू को फोड़ लेते हैं। हमने आलू को फोड़ लिया है, आइए मसाले को देख लेते हैं। मसाला हमारा पक चुका है, उसमें का जो तेल है वो ऊपर आ गया है। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इस पे हम ये जो सब्जियां उबाल रखी हैं इसको डाल देंगे और मसाले में थोड़ा पका लेंगे अच्छे से। सब्जियों को हम मसाले के साथ ढक के पका लेते हैं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी, ये मसाले का पानी है, वही थोड़ा डाल दे रहे हैं। आप जितनी ग्रेवी पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं।
तो आइए दोस्तों खोल के देख लेते हैं सब्जी को। ये देखिए हमारी सब्जी क्या पक रही है। सब्जी हमारी पक चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। अब इंडक्शन बंद कर देते हैं क्योंकि सब्जी हमारी पक चुकी है। तो आइए दोस्तों इसको हम किसी चीज़ में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है तो सब्जी हमारी काली पड़ने लगती है, तो हम दूसरी कढ़ाई में निकाल लेंगे। इसमें सारी हम निकाल लेंगे, ऐसे हम कढ़ाई पलट लेते हैं, इसको रख देते हैं एक साइड में। दोस्तों आलू गोभी और मटर की स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। मैंने बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है और ये वीडियो शायद आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।